गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप जो इस वीडियो में देख रहे हैं ये आज ही सुबह की ही वीडियो है। एक्चुअली में छोटा हरिद्वार में पानी का बहाव बहुत तेज़ था और यहाँ पर कई लाखों की संख्या में लोग छठ की पूजा करने के लिए आए हुए थे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ शरारती लोग ऐसे भी होते हैं, भीड़ में ऐसे भी होते हैं जो पुलिस का, सुरक्षा का कहना नहीं मानते और उस सुरक्षा को भेद कर अपनी मनमानी करते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी माता बहनें हैं, सूर्य की उपासना कर रहे हैं और आपने पीछे वीडियो में देखा था। जैसे कि मैं अभी दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये देखो दोबारा देखो ये आदमी क्या था, इतने तेज़ बहाव में भी त्यौहार पर भी नहर को अपने तैरने की, अपने कॉन्फिडेंस की वजह से पार करने की कोशिश कर रहा था, जबकि ये डूबते डूबते बचा है। पुलिस वाले, सुरक्षा वाले बहुत ऐलान कर रहे हैं, बहुत अलाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई कोई भी दूर ना जाए, पानी के तेज़ बहाव में ना जाए, लेकिन ये बंदा फिर भी नहीं माना। दोस्तों, हम कहीं भी छठ पूजा में या किसी भी त्यौहार में या गंगा जी स्नान में जाएँ तो हमें पुलिस का, सुरक्षा का कहना ज़रूर मानना चाहिए। हमें नहीं वो काम करना चाहिए जिसको वहाँ पर सुरक्षाकर्मियों को या हमें अपनी जान जोखिम में डालें। ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर त्यौहार पर ऐसी घटना कर हो जाती है कि त्यौहार में सब कुछ फीका हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को दिखाने का आपको एक ही मकसद है कि कहीं भी गंगा स्नान में या छठ पूजा में या हरिद्वार में नहाने के लिए या कांवड़ लेने के लिए कहीं पर भी जाएं, जब आपको अनाउंसमेंट कर दिया है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे लगे हुए पुलिस कर्मियों की तरफ से, NDRF की तरफ से कि गहरे पानी में नहीं जाना है, नहीं जाना है, तो दोस्तों हमें उनका कहना मानना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करके बताएं।